ध्यान जल्दी फोकस करो। अब यहाँ देखो भैया, देर रात को इंस्पेक्टर साहब को उठा लिया गया था, वो चलिया गया, कहा बताइए 50,000 की रिश्वत लेता रहा, कहा साहब कई रुपया लोगे, 50,000 ठूसोगे, वाह भैया वाह, देखो पैसा बहुत है, ठूसा था साहब, धर दबोचे गए। एंटी करप्शन की टीम ने भैया सोमवार की देर रात को कलेक्टर का थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामजनक सिंह गौतम जी को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। इंस्पेक्टर साहब कहूँ और पैसा नहीं लेते रहे, अपने भैया थाने के सरकारी आवास में पीड़ित को बुलाते हैं और उससे बकायदा रकम वसूलते हैं। ऐसे दरमियान भैया एंटी करप्शन की टीम पहुंच जाती है और तत्काल भैया दबोच लेती है, रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। अब भैया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, मामला कहीं और का नहीं कानपुर का बताया जा रहा है। कानपुर के भैया कलेक्टरगंज थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम है रामजनक सिंह गौतम। क्या बात है, गौतम जी 50,000 रुपए ठूसा था, दबोच लिया गया। तरीक सुनो भैया, पुलिस अधिकारी क्या बता रहे थे? एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजनम गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्यवाही की है, उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही तत्काल शुरू की जा रही है। हर संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जी की बात सुनिए आपने भैया, सुन करके मामला समझ गया होगे, विभागीय तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है भैया, इंस्पेक्टर साहब को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर साहब मकान खाली करवाने खातिर भैया 50,000 रुपए लिया रहे, अब पीड़ित का मकान था उस पर किरायेदार कब्जा कर रखे थे, वो इंस्पेक्टर साहब लगेगा तो इंस्पेक्टर साहब कहीं 50,000 दे हो तो हम अब्बे किरायेदार उनका खाली करवा दे, तुमका मकान तुमका दे देवा। लो भैया अब बताओ इवित करिए साहब, अच्छा लगा था, अरे तुमका पैसा लेने नहीं चाहिए, लेकिन नहीं 50,000 रुपए ले अपने सरकारी आवास पर, हम तो कहते कि रुपया लेने से पहले दैनिक सावधान हो जाओ, वरना समझ लो एंटी करप्शन टीम वाले आएंगे रातों रात उठा ले जाएंगे। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, अगली खबर देख लेते हैं। बिंद्रा के भैया तनिक बगल से और डीएम आवास के ठीक सामने से एक रास्ता गई है कॉलोनी है, साहब तनिक समस्या का समाधान करवा दो, बताओ कॉलोनी में तनिक गंदगी की पूछो ना, डेंगू यहाँ से प्रकट होते हैं, घर घर में जाते हैं और डेंगू की बीमारी फैलाते हैं, तो साहब तनिक ध्यान दीजिए, समस्या का समाधान करवाइए। आजकल सफाई कर्मचारी बहुत मनमानी कर रहे हैं और लोग बताओ थे कि अगर यो साहब का फोन करो तो उठावत नहीं है, फोन की घंटी टमटमाटम बजा करत है लेकिन साहब फोन नहीं उठावत है, साहब फोन उठा लीन करो और नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर तनिक ध्यान दीजिए। हम सुरेंद्र चाचा से भी कहना चाहेंगे, नगर पालिका के चेयरमैन शीला सिंह से भी कहना चाहेंगे कि देखो भैया आज का सफाई कर्मी नहीं आ रहे, बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या, लोग वीडियो बना बनाकर व्हाट्सएप करते हैं। बाकी आप लोग उनकी कार्यक्रम कीजिएगा, वीडियो शेयर करना कदम दूरेगा, शेयर मैसेज को सुन लिखा दबात बना के और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब थोड़ी खराब है तब भी खबर लगा, तो आपकी कार्यक्रम जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसे लेगी, आजकल डेंगू बीमारी बड़ी फैल रही साहब, साफ सफाई जरूरी है।